हमारा वन डे स्टे था पर हमने वो बढ़ा दिया है अभी। बस एक ही चीज़ की कमी है कि यहाँ पर कुछ भी एडवेंचर्स नहीं हो पाए, कि सब मंदिर घूमने हैं, गंगा घाट में बैठना है। खाने में बहुत बेस्ट बेस्ट खाना, बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है जो कि मैं नाम नहीं पकड़ सकता हूँ। नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी और ऋषिकेश में जैसे कि इस वक्त हम है तो यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है चोटी वाला रेस्टोरेंट, और इसकी अपनी अलग ही खासियत है। जो भी लोग ऋषिकेश आते हैं यहाँ आना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, तो आप भी जब भी ऋषिकेश आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और क्या इसकी खासियत है ये यहाँ पर चोटी वाला जैसे कि नाम है तो यहाँ पर ये नाम क्यों पड़ा, चलिए इनसे जानते हैं। ये जो चोटी वाला नाम है यहाँ का, मतलब कैसे पड़ा ये चोटी वाला? 62 साल पुराना है ये। यही यहाँ पर ये ऋषि नगर ये आश्रम है, आश्रम के नाम से ही, बाबा काली कमली वाले के नाम से ही है, और ये अग्रवाल साहब का ये रेस्टोरेंट है। खाने में बहुत बेस्ट बेस्ट खाना, बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है जो कि मैं नाम नहीं पकड़ सकता हूँ। चाउमीन है, डोसा है, समोसा है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, बहुत बढ़िया बेस्ट खाना शुद्धता के साथ मिलता है। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ का सारा ही खाना बहुत अच्छा है, खासकर फास्ट फूड भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। मैम कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा, दिल्ली। कैसा लग रहा है ऋषिकेश में आके? ऋषिकेश बहुत ही अच्छा है, हम सेकेंड टाइम आ रहे हैं एक्चुअली, और हमारा वन डे स्टे था पर हमने वो बढ़ा दिया है अभी। तो क्या क्या देखा ऋषिकेश में, कहाँ कहाँ घूमे? शाम को आए हैं, आरती की हमने एक्चुअली घाट में ही हमारा रूम है परमार्थ में लिया है, और हमारा बिल्कुल रूम गंगा के सामने है, तो बहुत अच्छा व्यू मिला है और बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पे। ऋषिकेश आए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या क्या करना है, क्या कुछ देखना है, कोई प्लानिंग? प्लानिंग तो अभी ये है कि सब मंदिर घूमने हैं, गंगा घाट में बैठना है अच्छे से, और जो भी है एक्टिविटीज़ वो कंप्लीट करना है। छुट्टी भी है अभी और एक्सटेंड की है हमने। अच्छा, आपके वहाँ बहुत भाग दौड़ है, बहुत गर्मी भी है, तो यहाँ पर आके सुकून मिल रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ही रह जाए, वहाँ पे मिस हमें वहाँ की याद भी नहीं चाहिए, अभी नाम भी नहीं चाहिए ऋषिकेश, बस उतना ही ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे आए और यहाँ पे ही दिन बिताना है बस। कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से हूँ। कैसा लग रहा है ऋषिकेश में आके? ऋषिकेश में आके अच्छा लग रहा है। अभी तक आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या कुछ देखा ऋषिकेश? अभी अभी हम लोग तपोवन स्टे किए हुए हैं, और वहाँ पे से अभी अभी यहाँ जो घाट है वहाँ से भी घूम कर आए हैं। ये परमार्थ घाट है और त्रिवेणी घाट है, अभी हम यही घूमे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ आ रहे हैं? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेदर भी हो रखा है इस टाइम पे। बस एक ही चीज़ की कमी है कि यहाँ पर कुछ भी एडवेंचर्स नहीं हो पाए क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा इस टाइम पे भराव हो रखा है, इसलिए बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है सिटी ऋषिकेश। ऐसी ही जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहेंगी, तब तक के लिए आप पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।